2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये कह सकता कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है। हमारी ताकत से बना हुआ कानून, हम उस कानून को नहीं मानते। जी हाँ, घुसपैठ पर घमासान। बहुत स्वागत है आप सभी का नाइन टीवी में। मैं हूं जब्बार खान और वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। कई सारी महत्वपूर्ण तारीखें ऐसी हैं जो कि देश के परिपेक्ष में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस देश का सिटीजन कौन है और उसके राइट्स, उसके अधिकार किन किन को मिलना चाहिए, यह मुद्दा जब शुरू हुआ और उसके बाद में कई सारी तारीखें जिसमें 1951, 1971, 1985-86 और साल 2013 काफी महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने कहा कि असम के अंदर जैसा कि एनआरसी लागू किया गया, अब आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। हालांकि शुरुआत से ही, जब से असम के अंदर लागू किया गया, तब से ही टीएमसी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर दूसरे विपक्षी दल हो, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाते रहे हैं कि धर्म के आधार पर भी, गर्चे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहे कि धर्म के आधार पर एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है, अमेंडमेंट जो है सिटीजनशिप बिल का वो बिल्कुल अलग है, इससे कंफ्यूज मत होइए, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, लेकिन फिर भी सरकार को घेरने का काम विपक्षी दल, बेशतर दल कर रहे हैं। और कई सारे राजनीतिक दल जिनकी सरकारें अलग अलग राज्यों में हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि हम अपने राज्य में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। घमासान जारी है। एक डेडलाइन 2024 की अमित शाह ने देश के लिए रखी है, मगर असम में जो कुछ हुआ एनआरसी लागू होने के बाद में 19 लाख लोगों के बारे में सरकार ने गर्चे ये कहा कि हम उस पर दोबारा से गौर करेंगे, ट्रिब्यूनल में जाएं, सरकार सहायता करेगी, मदद करेगी, लेकिन इस बीच में ममता के स्वर कैसे हैं, असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसको किस नजरिए से देख रही है, आज हम इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा इस बात पर ज्यादा हो रही है और सियासत का जो ताना बाना इसके जरिए बुना जा रहा है वो एक अलग ही दिशा में इसके मकसद को लेता जाता हुआ दिख रहा है। हम चर्चा की शुरुआत करें, अपने खास मेहमानों को आपसे मिलाए, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज की ताजा अपडेट इस पूरे मुद्दे पर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जब से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को पूरे देश में लागू करने की बात कही है, इस पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष एनआरसी को मुद्दे की तरह भुना रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस मुद्दे को समझाने में जुटा है, लेकिन एनआरसी का जिक्र नागरिकों की पहचान से बढ़कर अब चुनावी रैलियों में चर्चा का विषय बन चुका है। हम लोगों ने फैसला किया है इस देश में सभी राज्यों में एनआरसी कराई जाएगी और इसका फैसला करेंगे कि भारत में कितने विदेशी हैं, कहां से वहां आए हुए विदेशी हैं, लेकिन कुछ लोग इसी को लेकर तूल देना चाहते हैं इसे। मित्रों, 2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी एनआरसी के बहाने चुनावी माहौल को साधने के लिए हर जोड़ तोड़ अपना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी का पुरजोर विरोध करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एनआरसी पर बात करते हुए अमित शाह और पीएम मोदी को घुसपैठिया करार दे दिया तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि वो उनके कानून को नहीं मानते। इन्हों दिखाना चाहते हैं हम हिंदुओं को रहने देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? सबका अधिकार समान है। मैं तो ये कह सकता कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है, घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली तो आपने तो खुद माइग्रेंट है। हमारी ताकत से बना हुआ कानून, हम उस कानून को नहीं मानते। तुमने बना लिया, मगर हम अगर कानून हमारे लिए है तो जो कुदरत ने हमको कानून दिया है, हम उस कानून पर अपनी जिंदगी को गुजारते आए और गुजारते रहेंगे। एनआरसी को लेकर शुरू हुए घमासान में बीजेपी बनाम विपक्ष की जंग चल रही है।
बीजेपी एनआरसी के देश भर में लागू करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ एनआरसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्यों में भी आवाज उठने लगी है। विपक्ष ने एनआरसी को देश की एकता को तोड़ने की साजिश करार दिया। माननीय हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, रक्षा मंत्री और बहुत सारे लोग, सारे लोगों का ये मत है कि एनआरसी देश के हित में एक नितांत आवश्यक फैसला है और इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। ये देश में आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास है और अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। जाहिर है एनआरसी को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एनआरसी को देश भर में लागू करने का फैसला और फिर एनआरसी का जिक्र करते हुए चुनावी रैलियों में वोट मांगना, चुनावी रैलियों में 2022 तक एनआरसी की मदद से सभी घुसपैठियों को निकालने का दावा, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में 2024 तक एनआरसी को बेहतरीन चुनावी हथियार पार्टियां बना सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, मगर R9 टीवी की वो सवाल आज क्या है आपके सामने रखते हैं कि आज जब R9 टीवी ये पूछ रहा है कि क्या एनआरसी के बहाने सियासत की जा रही है और रैलियों में क्यों एनआरसी का जिक्र किया जाता है, सियासी फायदा उठाने के लिए या फिर क्या बीजेपी को चुनाव में एनआरसी का फायदा मिलेगा, ऐसा बीजेपी को लगता है। ममता बनर्जी को एनआरसी आखिर मंजूर क्यों नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी उसी लाइन में क्यों खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी भी मंशे पर सवाल क्यों उठा रही है। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो चुके हैं, तारुफ उनका आपसे कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता रेणु भाटिया जी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ में नोएडा स्टूडियो से, बहुत स्वागत है मैडम आपका साथ में है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनोज तिवारी जी आपका भी स्वागत है सर। अनिल मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बताएंगे कि आखिर चल कुछ क्या रहा है, आपका स्वागत सर। साथ में प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इसके अलग अलग पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे। संजीव कौशिक जी राजनीति इस पर क्यों हो रही है और क्या है मकसद इस पर विपक्षी पार्टियों का और सरकार इस मंशा के जरिए क्या कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, इस पर विस्तार से बताएंगे। साथ ही सबसे ज्यादा खुल करके अगर कोई पार्टी विरोध कर रही है तो वह टीएमसी, ममता बनर्जी चैलेंज करते हुए दिख रही है उनकी तरफ से। हमारे साथ में नेता नीरज राज जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी है पार्टी के, जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। साथ में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमेश ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, जो इन तमाम चीजों के पीछे की राजनीति के असल वजह क्या है और उससे फायदा किस किस पार्टी को क्या क्या होगा और ये सब आखिर क्यों चल क्या रहा है। आप सभी का शुक्रिया, मगर शुरुआत में इस चर्चा के मनोज तिवारी जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, अगर सरकार किसी भी पार्टी की सरकार होती, घुसपैठियों को बाहर निकालने की कवायद कर रही होती, अगर घुसपैठिए बाहर निकाले जा रहे तो कांग्रेस पार्टी को इतना दुख क्यों हो रहा है? जब्बार जी देखिए ऐसा है, सवाल यहां पर घुसपैठियों का नहीं है, सवाल सरकार की मंशा का है। सरकार मुझे लगता है कि अपने ही, अगर देखा जाए तो जो कानून लेकर के आ रही है उसमें अपने ही बहुत ज्यादा गतिरोध, बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है वो कि वो चाहती क्या है। एक मामला घुसपैठियों को लेकर के है जो 1971 असम समझौता है उसके खिलाफ है, दूसरा मामला लेके आती है कभी एनआरसी की बात करती है और कभी सिटीजनशिप संशोधन बिल की बात करती है। सवाल वही है ना, मैं या तो कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है या तो कंफ्यूजन लोगों के अंदर क्रिएट करना चाह रही है। क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एनआरसी से बिल्कुल अलग नहीं है? नहीं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं आपको वही कह रहा हूं, मैं वही कहना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, सबसे पहली बात तो यह है कि यह धर्म के आधार पर है जो भारतीय संविधान का विरोध करता है। अभी 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 यहां पर हम एनआरसी की बात कर रहे हैं, उसी पे आते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तो एक दूसरी चीज हो गई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात आपने कर दी, मैंने उस पे बोल दिया। देखिए एनआरसी का जो मामला है, आप 62,000 कर्मचारी आज सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में 4 साल सर, वो एक अलग पहलू हो गया, कोई काम होगा तो उसमें कर्मचारी भी लगेंगे, उसमें धन का प्रयोग भी होगा, सारी चीजें। तो मैं कह रहा हूं, मेरा सिर्फ सीधा सवाल ये, सीधा सवाल मेरा ये है कि अगर घुसपैठिए बाहर निकाले जाने की कवायद, उसकी प्रक्रिया की जा रही है,
कांग्रेस को दुख क्यों हो रहा है? मंशा पर सवाल क्यों? क्या एनआरसी धर्म जाति के आधार पर लागू की जा रही है, की गई है? असम में ऐसा हुआ? कांग्रेस को जब बारजी इस पर कोई दुख नहीं है, कांग्रेस को प्रक्रिया पर दुख है। जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी को इस पर आपत्ति नहीं है, प्रक्रिया पर आपत्ति। आपको प्रक्रिया पर भी आपत्ति है, आपको इसके लागू होने पर भी आपत्ति है, क्यों साहब? जी जब्बार भाई, वास्तविकता यह है कि मैं आपको इस पे बात कर देना चाह रहा हूं, ये कि क्या अभी जो आसाम में जो आम जनता के हालात हुए हैं, ये लोग बार बार मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, किसानों की समस्याओं से, युवाओं को रोजगार देने, तमाम जो बुनियादी, नीरज राजी मुझे लगता है कि देश देश और विदेश में बैठे हुए लोग इस चर्चा को सुन और देख रहे हैं। जब्बार भाई ठीक है, वो एक अलग मुद्दा, आप घेरिए सरकार, आप बेशक घेरिए सरकार को मुद्दों के आधार पर, उससे बिल्कुल। आप अगर सरकार को प्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रवक्ता बैठे हुए रेणु भाटिया जी, आप ये बताइए कि अभी शेख हसीना आई हुई थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, आई थी कि नहीं आई, आप बताइए। क्या इन्होंने उनके साथ कोई समझौता किया कि जो आप हमारे यहाँ घुस बैठी हैं, आप क्या मैं भेजूंगा? कोई समझौता हुआ है? अगर थर्मल पावर पे प्रोजेक्ट का समझौता, तो वो क्लियर तो कम से कम कीजिए। क्या आपको एनआरसी लागू किए जाने से दिक्कत है, आपत्ति है, जैसा कि ममता बनर्जी बोल रही हैं कि हम होने नहीं देंगे, या फिर उसकी प्रक्रिया को लेकर के अगर ऐसे लोग जाएंगे कहां, उन लोगों की आपको चिंता है? नहीं नहीं, ये लोग जाएंगे कहां? आप लोगों को या मुझे बोलने दीजिए सर, आप उस मुद्दे को नहीं ला रहे, आपकी बातों का, मैं आपके क्लैरिटी के साथ उस मुद्दे को लाइए ना सर, आप टाइम दे सर, मैं एक मिनट का टाइम दे, पूरा बोल लीजिए मुद्दे के साथ। मैं नहीं, एक मिनट नहीं, आप सवाल करें, सवाल पर सवाल मत लगाइए। आप ये बताइए पहले कि 19 लाख लोग जो आसाम में हुए आए हैं एनआरसी के अंतर्गत, उसमें से कितने लोग बाहर जाने वाले हैं? पहले क्या सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए एनआरसी लागू हो रहा है या पाकिस्तान? सर आप गलत बयानी कर रहे हैं, क्या 19 लाख लोग बाहर किए जा रहे हैं? ये कहा गया है कि ट्रिब्यूनल में जाएं, जिनके पास में पैसे नहीं है उनका खर्च भी सरकार उठाएगी। अभी उसको आप फ्रेम में बंद क्यों कर रहे हैं? फिर आप बात कर रहे हैं, अरे सर आप गलत बयानी करके निकल रहे हैं, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को? आप गलत बयानी गुमराह कर रहे हैं, आप भाजपा के तरफ से गुमराह कर रहे हैं। जब्बार भाई, जो भी वास्तविकता है बोलने दे, उस पर आप गुमराह करने का काम ना ऐसे ही बात रखिए जिससे जनता आपका मजाक ना उड़ाए। सर मैं वही बात कर रहा हूं, जनता सुन रही है, आप अपने तर्कों को रखिए ना सर, इसीलिए जनता सुन रही है, इसीलिए जनता देख रही है। आप ये बताइए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको जो कुछ मेरे लिए कहना हो आप कह लीजिए, जनता सुन रही है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, 19 लाख लोग जिनका नाम नहीं आया, क्या वो बाहर किए जा रहे हैं? या अभी प्रक्रिया बची हुई है कि वो वापस आएंगे? यह प्रक्रिया नहीं है, उन लोगों के मन में दहशत पैदा किया जा रहा है पूरे राष्ट्र का नाम लेकर। जब चले ठीक है, आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पब्लिक आपको सुन रही है, देश विदेश की जनता आपको सुन रही है, ऐसे पचकाना क्यों आप जवाब और सवाल कर रहे हैं? अरे सर तो आप बताइए ना, क्या 19 लाख लोग बाहर हो गए? क्या उनको नागरिकता नहीं मिलेगी 19 लाख लोगों को? क्या इतना आसान है क्या कि आप 19 लाख लोगों को एक बार में ही बाहर खेद देंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूं कि क्या मतलब इंटरनेशनल फोरम का जो चीज होती है उस पे बिना वहां की सरकार से समझौता किए, बिना वहां के राष्ट्राध्यक्ष को सूचित किए, कैसे आप बोल देंगे कि नहीं मैं खेद रहा हूं इनको? आप कई तरह की बातें कर रहे हैं, या तो सर आप बहुत कंफ्यूज हैं, या तो आप होमवर्क करके नहीं आए सर परफेक्ट तरीके से, आप तो अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं सर, आज क्यों कमजोर पड़ रहे हो सर? मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड, आपके 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 इन कंफ्यूज क्वेश्चंस को लेकर के मैं जा रहा हूं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रेणु भाटिया की तरफ, ठीक है सर मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। सर मेरा आपसे दो सवाल था, उसका जवाब अगली बारी में आप दीजिएगा कि क्या आपको प्रक्रिया से एतराज है या आपको एनआरसी से ही एतराज है? आपने इन दोनों बिंदुओं पर जवाब नहीं दिया। रेणु भाटिया जी, देखिए जवाहर भाई, मुझे सुनते ही, पहली लाइन सुनते ही नीरज जी की समझ आ गया कि आपकी बात ठीक है, या तो ये प्रिपरेशन करके नहीं आए, सलाह करके नहीं आए अपनी पार्टी में कि इनको बोलना क्या है, क्योंकि विरोध तो इनको करना ही है, या फिर इनको पता ही नहीं है डिफरेंस एनआरसी में और सिटीजन अमेंडमेंट बिल में। एक सेकेंड नीरज भाई सुनिए नीरज भाई, क्योंकि जब हम डिबेट पे बैठते हैं, जब हम जवाब देते हैं, जनता ये अपेक्षा करती है कि हम उनको सही इन्फॉर्मेशन दें और सही बात रखें।
आपने आपने हमारे आपने भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्य नेताओं को बार बार सुना इन पिछले 3-4 दिन में, तो लगातार सुना, और मुझे लगता है आज से मेरे ख्याल से तारीख अगर मैं कहूँ तो 2 या 3 सितंबर को भी ये विषय उठा था और तब भी बहुत सारी डिबेट हुई थी। नीरज जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, नीरज जी अगर आपको जबरदस्ती एंकर्स को प्रवक्ता बनाना है, नीरज जी तो वो बात अलग है, बहुत ही लेकिन बहुत सुलझा हुआ पैनल बैठा है, हर तरह के विशेषज्ञ बाजारों के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे कोई मसला हल नहीं होगा। आप मेरे ऊपर लांछन लगा करके अपने अपने सवालों आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो। आप एंकर की भूमिका में आकर के एंकर पर ही सवाल उठा रहे हो। सवाल आप बताइए ना सर, आप बताओ ना, आपको प्रक्रिया पर एतराज है, आपको एनआरसी पर एतराज है, आपको एतराज किस बात पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर क्यों नहीं लागू होगा एनआरसी? बांग्लादेशी तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, पहले उन्हें जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पश्चिम बंगाल के अंदर क्यों नहीं लागू होगा एनआरसी? मैं बता दूंगा आपको जब्बार भाई कि जो हालात आसाम में आम जनता का हुआ है वैसा सिचुएशन हम बंगाल के अंदर हरगिज नहीं होने देंगे। अब सुन लीजिए स्पष्ट ये चीजें, गलत तरीके से इन लोगों के द्वारा जो चालू किया जा रहा है कोई भी प्रोपेगेंडा को हम लोग वहां पे सफल नहीं होने देंगे। इसमें गलत क्या है वो थोड़ा क्लियर करेंगे आप? इसमें गलत क्या है वो आप क्लियर करिए। बंगाल में जो घुसपैठ हुई है या आसाम में जो घुसपैठ हुई है, क्या वो हमारे देश के लोगों के अधिकार का हनन नहीं है? उसमें थोड़ा क्लियर करिए। और एक मिनट के लिए राय साहब, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगी। आपसे एंकर पूछ रहे थे कि आपको प्रक्रिया पे आपको प्रक्रिया पसंद नहीं है या आपको ये बात पसंद नहीं है, घुसपैठ पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है ये आप बताएं। आप अलग दिशा में चले गए कि इन्होंने फलां से पूछ के नहीं किया, अध्यक्ष से पूछ के नहीं किया, इंटरनेशनल फोरम पे नहीं किया। इसका मतलब अगर इंटरनेशनल फोरम पे ये बात रखी जाए और ये प्रक्रिया की जाए, ये 19 लाख लोगों को जो कहा गया है वो साबित हो जाए या कहा जाए तो फिर ठीक रहेगा। तभी आपको कह रहे हैं भटकिए मत आप बात से, आपको कुछ बोलने के लिए बोलना है ऐसा मत करिए। आपको कुछ जनता को इन्फॉर्मेशन देनी है वो बात आप जरूर करें, क्योंकि नेशनल चैनल पर बैठकर आपको देश क्लियर नहीं हो रहे। या तो आरोप ही लगाइए साहब, या तो सरकार पर आप आरोप लगाइए तर्कों के आधार पर, वो आपका राइट है, अधिकार है, और इसीलिए मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। आप अपने जवाब को तैयार रखिए। ठीक है सर, एक सेकंड। ठीक है सर। संजीव कौशिक, एक सेकंड सर, थोड़ा सा आप वक्त लीजिए, मैं संजीव कौशिक जी की तरफ जा रहा हूं। आप उन दोनों बिंदुओं पर अपने जवाब को सॉलिड तरीके से तर्कों के साथ में लेकर के आइएगा। मैं अगली बार फिर तीसरी बार आपके पास में उन्हीं सवालों के साथ में आऊंगा। संजीव कौशिक जी, दरअसल ये है क्या, अगर मौजूदा वक्त की सरकार इत्तफाक से मान लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की है, अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की होती कि साहब हम एनआरसी लागू करने के लिए जा रहे, क्या यह प्रक्रिया पर एतराज है या फिर वोट बैंक की सिर्फ और सिर्फ राजनीति है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की या फिर दूसरी जगहों पर? हालांकि अलग बात है कि बीजेपी के ही नेताओं ने असम के अंदर भी वो इस एनआरसी को लेकर के सवाल भी उठाए थे। जब्बार भाई, ये बात स्पष्ट है कि देश के जल जंगल जमीन साधन और संसाधन पर सबसे पहला अधिकार हम हिंदुस्तानियों का बनता है, लेकिन यह भी बात उतनी ही कड़वी सच्चाई है जिसे आप मानना पड़ेगा आपको, कि जो दो दो पीढ़ियों तीन तीन पीढ़ियों से जो लोग हिंदुस्तान में रहते चले आए हैं उसे अचानक आप बाहर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आप बार बार पूछ रहे थे कि आपको इस प्रक्रिया पर एतराज है या एनआरसी पर एतराज है, मैं समझता हूँ कि दोनों औचित्यहीन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 1600 करोड़ रुपये खर्च करके जब असम में एनआरसी कराई जाती है और वहाँ 19 लाख की बात अभी बार बार हो रही थी, वहीं पे जब 19 लाख में 50% के आसपास में हिंदू और मुसलमान की जब बात आती है उसमें नाम आते हैं, तो वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदे हेमंत विश्व शर्मा जिनका नाम है, वो इससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जाकर के और इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। मतलब ये कि सरकार का नुमाइंदा ही सरकार के इस पूरे प्रकरण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं इसे औचित्यहीन इसलिए करार दे रहा हूँ क्योंकि इससे आपको मिलेगा क्या? देश तो फिर एनआरसी ना हो, मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं सवाल कर रहा हूँ। सरकार को ये जवाब देना है, एनआरसी नहीं होना चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूँ सरकार से, मिलेगा क्या बताइए ना जनता को। मैं पूछ रहा हूँ जनता की तरफ से, मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है। यदि
अभी तक के वक्त में यदि थोड़ा सा पीछे जाके देख लें, 200, 400, 30, 20, 25, 50 बांग्लादेशी यदि आते हैं उसको शिफ्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन जब लाखों की संख्या में ऐसे लोग निकलेंगे जो बांग्लादेशी होंगे, आप करेंगे क्या उसका, बैठा के खिलाएंगे? ये एक चिंता, एक चिंता आपकी है, ये जायज भी हो सकती है, ये देश की जेन्युइन चिंता है, किसी का कोई भी सवाल पूछ सकता है सरकार से कि अगर साहब जिन लोगों को एनआरसी के दायरे से बाहर कर दिया गया उन लोगों का क्या होगा, भाई जो भी लोग बांग्लादेश से आए। मगर इस पर अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या एनआरसी लागू करना ही ये देश हित में नहीं है? अगर आप इजाजत दें तो जो अभी तक बहस हो रही थी उस पर मैं एक मिनट बोलना चाह रहा था। इस एनआरसी को लेकर और सिटीजनशिप बिल को लेकर और घुसपैठिया एक शब्द यूज करके जो ये बहस का मुद्दा बना है या पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, इस पर जरा गौर करिए। देखिए आज भी विपक्ष हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है, और सबसे बड़ा दुख यह है कि विपक्ष में, पूरे विपक्ष को कह रहा हूं जिसमें कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, बुद्धिजीवियों की पार्टी, आज भी नहीं समझ पा रही है कि भाजपा, वो आप भाजपा लें या उसके पीछे का जो संगठन है, उसकी सोची समझी रणनीति के तहत बनाए गए जाल में हमेशा फंसती है। आप शुरू से देखें, पहले दिन से आज तक, समय, जगह और मुद्दा तीनों बीजेपी सेट करती है, और अपने ही दिए हुए मुद्दे पर, अपने ही दिए हुए समय पर, अपने दिए हुए जगह पर इनको उलझाती है और ये उलझे रहते हैं। आप बार बार पूछ रहे हैं इसको फायदा किसको मिलेगा, आप देखें अगर ये, जब ये बिल आ रहा है, जितने भी विपक्षी अगर विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज का विरोध, अगर कुछ डायरेक्ट कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ जा रहा है, आप ये देखिए इसका मैसेज क्या जाता है, बीजेपी चाहती क्या है, वो तो इस मुद्दे को उठाना ही चाह रही है, इसीलिए उठा रही है बार बार कि अगर ये कहीं से हिंदू मुस्लिम का राइट मामला बन जाए तो हिंदू निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एकजुट होने का प्रयास करते हैं। मतलब तो, आप ये मानते हैं कि बीजेपी का मकसद एनआरसी के जरिए जो गैर नागरिक है हिंदुस्तानी, गैर हिंदुस्तानी, उनको बाहर करना नहीं, राजनीतिक फायदा लेना? मैं बता दे रहा हूं, उसमें भी आ रहा था। अब बात आती है एनआरसी की, असम में आपने कराया इतने जोर शोर से उस चुनावी दौर में, अगर आपको याद हो, और उस वक्त कहा गया 40 लाख घुसपैठिए, जैसा आज भी हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा, और उस वक्त हर रैली में, हर टीवी उसमें कहा करते थे, एक भी घुसपैठियों को नहीं छोड़ूंगा। वो 40 लाख की लिस्ट, जब इतनी 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1600 करोड़ रुपए का मतलब आप समझते हैं, और जब वो प्रक्रिया पूरी हुई तो उसके बाद विरोध किसने किया? यही अमित शाह जी उसका विरोध कर रहे हैं, वही असम के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जी, हेमंत जी उसका विरोध कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि इन्होंने जो एक उम्मीद की थी, जो इन्होंने एक तरीका अपनाया था, उस 19 लाख में आज भी जो लिस्ट बन रही, मैं आपको अंदर खबर बता रहा हूं कि उसमें 1.5 लाख लोग केवल ऐसे आ रहे हैं जो हमारे एनआरसी में नहीं आते हैं। आपको मैं बताऊं, पूर्व राष्ट्रपति, 30-30 साल सेना पे बड़े अधिकारियों, ठीक है, उन सब का नाम भी नहीं है। बात तो आपका प्रश्न का जवाब है इसमें, तो जब इस तरह के एनआरसी तो मैं इसीलिए मैं इसीलिए विरोध करने वालों से जानना चाहता था। नहीं, ये विरोध नहीं है, क्या इसका जो तरीका अपनाया गया है, पैसे ज्यादा खर्च किए गए, कर्मचारी ज्यादा लगाए गए, उसका आउटपुट वैसा नहीं आया, उस बात पर आपत्ति है? या फिर जो लोग होंगे ऐसे लोगों को भेजा कहां जाएगा, कौन सा देश उनको लेगा, क्या बांग्लादेश उनको वापस लेगा, या जिस देश की ओर है वो वापस लेंगे वो देश में, ये एक चिंता का विषय हो सकता है? एक लाइन में जवाब दे दें आपको, आपके तीनों प्रश्न का, बिल्कुल तीनों प्रश्न वाजिब है, और यही देश में चर्चा का विषय है। पैसा ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब नहीं है, मतलब ये हो क्यों रहा है, और अगर हो रहा है 19 लाख में, कहता हूं 19 लाख हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, 19 लाख जाएंगे कहां? ठीक है, आपको हर सरकार ने मना किया, ये दूसरा पहलू, शब्द याद रखिए, ये दूसरा पहलू उसका है, दूसरा पक्ष है कि ये होगा तो वो लोग जाएंगे कहां, लेकिन अभी ये होगा ही, हम उस पर चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहे थे, और उस पर मैं नीरज दास से बहुत देर तक उनके साथ में समझने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी नहीं रखी। सर मैं आपकी तरफ दोबारा भी उसी सवाल के साथ में आऊंगा, लेकिन रमेश ठाकुर जी, अब ऐसी स्थिति में क्या यह सब कुछ सियासी ताने बाने के इर्द गिर्द ही सब कुछ हो रहा है? अमित शाह अगर रिजिड है कि साहब असम में हुआ, फिर से होगा, 2024 तक पूरे देश के अंदर किया जाएगा, ममता बनर्जी कह रही कि साहब करके दिखाइए, ये क्या चल क्या रहा है? देखिए इस तरह के जो मसले होते हैं, पहले तो सर्वदलीय बैठकों के साथ में विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसके बाद में कैबिनेट बैठी जाती है, ये बातें होती हैं, लेकिन बिल्कुल सही आप एक शब्द का इस्तेमाल करें, सियासत, ये मुद्दा पूरा सियासत के तौर पे एक बड़ा सा बन चुका है। अब झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, चुनावी रैलियों में ये मुद्दा बोला जा रहा है, वहाँ पे इन चीज़ों को बोला जा रहा, तो इन चीज़ों के बाद में एक संशय स्थिति तो बन जाती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोई ना कोई फिराक तो की जा रही है। अब दूसरी बात है, एनआरसी में
सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं आ रहे हैं, इसमें तिब्बत के लोग भी हैं, इसमें भूटान के लोग भी हैं, इसमें नेपाल के लोग मगर लार्ज पिक्चर उसकी बांग्लादेशी ज्यादा है और खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमान ज्यादा है जिसका फायदा का जिनका कुछ वोट बैंक है वो लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं लागू करें। देखिए जब वोट बैंक की जब बात आ जाती है आप साउथ दिल्ली में चले जाइएगा अपने मुखर्जी नगर के आसपास तो पूरी की पूरी कॉलोनी तिब्बत से भरी हुई है, आप उनको कहां करोगे। लेकिन सबसे बड़ा देखो पूरे डिबेट का लबोलुभाव ये है, हम ये सवाल लोगों से भी करते हैं कि इन लोगों का होगा क्या जब इनको सब बाहर करने की जब बात कही जा रही है 19 लाख 20 लाख जो भी आंकड़ा दिया जा रहा है। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूं कि होम मिनिस्ट्री के एक बड़े अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, नाम ना छापने के और ना बताने के उन्होंने शर्त पे एक बात बताई कि हम लोग क्या कर रहे हैं जितने एनआरसी में लोग अभी तक इकट्ठे हुए हैं उनके पूर्वज कहाँ कहाँ रह रहे हैं उनसे हम लोग मिलान कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मीटिंग एक कमेटी भी बनी है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, वो आइडेंटिफाई कर रही है उस राज्य उस कंट्री की सरकार से वो मिलान कर रही है कि ये लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं क्या इनके पूर्वज वहां रहते हैं, अगर उनके पूर्वज वहां रहते हैं तो उनको वहां भेजने का एक आसान तरीका होगा। जम्बार जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दरअसल एनआरसी का मसला जो है ये मसला 100% जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए है और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तो फिर आरोप राजीव गांधी की सरकार पर क्यों नहीं लगे। मैं आरोप आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है, दरअसल फिर शुरुआत आप ये बात कहेंगे राजनीतिक लाभ की बात आप कहोगे तो फिर आपके ऊपर जो सवाल होते हैं तो आपको तिलमिलाहट क्यों होती है। राजीव गांधी जी ने 1970 मैं आपको बता रहा हूँ, रेणु भाटिया जी आप अपने अपनी बारी पर बोलिएगा मुझे बोलने दीजिए, मैं एक बात कह रहा हूँ। दरअसल क्या है जब भी चुनाव आता है तो किसी भी चुनावी राज्य में एनआरसी का मसला उठाया जाता है, एनआरसी का मसला नहीं है ये मसला ध्रुवीकरण का है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू और मुसलमान करके ही राजनीति करती है। आज तक मैंने ये नहीं देखा विगत 5 वर्षों में कभी किसी आर्थिक मामले पर चर्चा होती हो, किसी अन्य मसलों पर चर्चा होती हो, जब भी चुनाव आते हैं एनआरसी का मसला उठा दिया जाता है। सबके बीच में देखिए इससे जुड़ा हुआ मसला है, ठीक है अभी ठीक है मैं जा नहीं सका हूं। प्रेम कुमार जी की तरफ अभी तक ठीक है नागरिक संशोधन प्रेम कुमार जी तुरंत ठीक है। आप लंबे समय से तमाम चीजों को देखते समझते कवर करते हुए आए हैं, पहली नजर में भले ही कांग्रेस की अपने अपनी एक राय है, टीएमसी की अपनी एक राय है या फिर जो बातें वो कही जा रही है जो विरोध किया जा रहा है, क्या वाकई बीजेपी संजीदा नहीं है या वाकई विपक्षी दल उनको अपने वोट बैंक के खिसकने का डर है इसलिए इसका विरोध सामने आ रहा है। देखिए जब्बार जी एनआरसी का मुद्दा तो एक्चुअली बीजेपी का मुद्दा कभी था नहीं जी, लेकिन अब वो बन गया। देखिए ये असम एकॉर्ड के तहत था और उसके तहत इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत देरी हो गई, इतनी देरी हो गई कि अब अप्रासंगिक जैसा लगने लगा। जब 1985 में ये डिसीजन हुआ था तब 14 साल हुए थे 1971 के आधार वर्ष को देखें और आज आप देखें तो 48 साल हो गए, 48 साल में कई पीढ़ियां आ गई इसमें तो। लेकिन हम विवाद के बिंदु पर अगर जाते हैं तो देखिए घुसपैठिया शब्द पर जो विवाद हुआ है इसी को क्लियर कर लेंगे तो सबके उत्तर मिल जाएंगे, क्या टीएमसी कांग्रेस और क्या बीजेपी। देखिए घुसपैठिया चुन चुन कर भगाएंगे जब अमित शाह बोलते हैं तो ये चुन चुन कर बोलने वाली भाषा बड़ा आक्रामक है और वो जो चुन चुन कर भगाएंगे बोलते हैं तो वो घुसपैठिया एनआरसी में कौन आ रही है, तो सिर्फ असम के लिए था ना एनआरसी अमेंडमेंट तो असम के लिए था। इसमें जो लोग आ रहे हैं देखिए हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं बंगाली तो भी हैं बांग्लादेशी भी हैं, असम में हम दोबारा से लागू करेंगे बांग्लादेशी भी जी फिर से पूछे जी, वो अभी भी कह रहे हैं कि असम जब पूरे देश के अंदर हो जाएगी उसके बाद फिर से हम असम के अंदर इसे दोबारा से लागू करेंगे। पूरे देश के अंदर तो सवाल ही नहीं था ये कभी एनआरसी का जी, एनआरसी का क्या पूरे देश के अंदर का एक मुद्दा रख करके भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर इसको अपने एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है जो बीजेपी को सूट कर रहा है। और बीजेपी ये चाहती है क्या कि इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान से जोड़ा जाए, जो कि बीजेपी खुद नहीं कर रही है लेकिन विपक्षी पार्टियां जब इस पर एतराज करेंगी तो अपने आप में वैसा मसला बन जाएगा। सवाल यह है कि मंशा पर आखिर सवाल क्यों उठ रहा है, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में जिसमें तमाम धर्म के लोगों को यहां की नागरिकता दिए जाने की बात का जिक्र बार बार अमित शाह कहते हैं सिवाय मुस्लिम समुदाय को छोड़कर के, इसलिए संदेह के घेरे में सरकार आती है, उसकी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आती है या फिर इस पूरे एनआरसी के लागू होने के बाद में उसका नतीजा क्या होगा, जो लोग गैर हिंदुस्तानी होंगे उनका होगा क्या, कहां भेजा जाएगा, कौन सा देश इसको लेगा, इसको लेकर के सरकार की मंशा पर सवाल उठता है कि साहब ये सब कुछ सियासी ताना बाना है। और ऐसे में
विरोध के सुर जो उठ रहे हैं और अब तेजी के साथ में वो आमने सामने चैलेंज की लड़ाई में भी बनते हुए जा रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं और नए मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जो कि प्रमोद कुमार जी भी एडवोकेट हैं, पेशे से वकील हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, कानून के जानकार हैं। प्रेम कुमार जी से समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये इतना हंगामा मचा हुआ क्यों है। एक काम अगर देखा जाए सीधे तौर पर, जो गैर हिंदुस्तानी हैं उनको देश से बाहर जाना चाहिए, उनको देश के रिसोर्सेज का फायदा नहीं मिलना चाहिए। और अगर इसकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, गर्चे एक लंबा पीरियड इसमें लगा, गर्चे इसमें बेशुमार लोगों की नियुक्तियां की गई, इस काम को अंजाम देने के लिए बेशुमार पैसे खर्च किए गए, तो क्या ये पूरा प्रोसेस ही सवालों के घेरे में आ जाएगा या इसका मकसद ही गलत है? मगर कानूनी पहलू इस पर क्या है, मैं प्रमोद कुमार जी आपसे समझना चाह रहा हूं। एक तरफ कांग्रेस जैसी दूसरी विपक्षी दल है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसका लहजा यह है कि घुसपैठियों को चुन चुन कर 2024 के पहले बाहर किया जाएगा। देखिए ये बड़ा ये देश का दुर्भाग्य है, आज यह स्थिति ऐसी है कि आप रात कहिए तो कहीं ना कहीं अधिकांश लोग मिल जाएंगे कि जो कि उसमें साबित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी ये दीन है। आज देखिए ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, विश्व का अधिकांश जो माननीय और सम्माननीय देश अपने आप को कहता है, जो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, वहां पे भी ये सिटीजन का प्रॉब्लम है। वो गैर उस कंट्री का पहुंचे हुए हैं और वहां का सारा रिसोर्सेज को जो है उलट फेर कर रहे हैं। तो आज जो है ये हिंदुस्तान का यदि आप देखेंगे कि सारी जड़ का यदि कोई जड़ है तो वो जनसंख्या है, और जनसंख्या में एक देखिएगा कि जो हमारे बाहर के लोग आए हुए हैं तो वो निसंदेह उनको जो है वो अधिकार नहीं मिलनी चाहिए जो हमारे भारत के लोगों को मिला है। भारत के संविधान में क्लियर लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए। तो देखिए हम भारत के बजाय आज यहाँ के लोग बिलो प्रोवर्टी में हैं और बाहर के लोग जो है ऐसमोज कर रहे हैं। आप यदि देखेंगे, क्योंकि मैं गया हूं बांग्लादेश के बॉर्डर पे, नेपाल के बॉर्डर पे, आप जाकर के देखिए वहां खुला है, लोग आ जा रहे हैं, कोई वहां पे ये नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोई पाबंदी है, जो मर्जी है आते जाते रहिए। यहां पर कोई ना तो लिखित है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है। आप देखिएगा, आप बाकी स्टेट को छोड़ दीजिए या तो बाकी हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, आपकी निगाह में इस प्रक्रिया या इस एनआरसी का विरोध फिर क्यों हो रहा है? देखिए मैंने जब सरकार ये साफ नहीं करेगी, बांग्लादेश ने अभी जैसे ये कह दिया कि साहब बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है और बांग्लादेश उन्हें अपनाएगा नहीं, लेगा नहीं, तो फिर इस सवाल तो एक बहुत जेन्युइन सवाल है कि देश के लोग या विपक्षी पार्टियां पूछेंगे कि जो लोग इस दायरे में नहीं आएंगे उनका आप क्या करेंगे, कहां भेजेंगे? देखिए अमेरिका में भी हो रहा है, इंग्लैंड में भी हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, बहुत सारे इंडियन वहां पर जा रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है, और कई कंट्री के लोग विस्थापित जा रहे हैं, उनको बाहर जा रहा है। इंडिया के लोग इंडिया में वापस उन्हें लिया जा रहा है ना? हाँ हाँ। लेकिन अगर बांग्लादेशी उनको वापस नहीं ले रहा तो फिर क्या करेंगे? नहीं तो फिर उनका कहीं ना कहीं समाधान होगा, रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि देर ही भली आज देश में जो है ये सरकार कदम उठा रही है तो बड़ा सराहनीय है। आज जो बहुत सारे आतंकवादी या बहुत सारे घटनाएं हो रही है, प्रमोद जी ने बात उठाया है, प्रमोद जी ने कहा है कि बहुत सारे कंट्रीज की ये समस्या है। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, यूरोप चले जाइए आप, CIS के पार्ट्स में चले जाइए, यूक्रेन से लेके जितने भी रशिया के भाग भूभाग खंडित हुए हैं वो सारे लोग एक दूसरे जगह जाते हैं। सवाल ये नहीं है आने जाने से नहीं है, आप रोहिंग्या मुसलमान को बोले कि रोहिंग्या को बाहर करेंगे, आज तक आपने रोहिंग्या को एक बताइए कितने रोहिंग्या बाहर चले गए? सवाल आपके प्रक्रिया का है, आपका प्रक्रिया ही दोष से भरा हुआ है, आपकी मनसा ही गलत है। ठीक है, आप सवाल बहुत सारे उठे हैं रेणु भाटिया जी, चुन चुन के भेजेंगे, अरे आपको चुनने का तरीका क्या, आप किस आधार पर चुनेंगे कि कौन घुसपैठिया है? अभी तो 62,000 कर्मचारियों को लगा करके और उसमें 17 लाख लोगों का 19 लाख लोगों का पंजीयन नहीं हुआ है। तिवारी जी, मैं वो प्रोसेस का नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो इनिशिएटिव लिया गया है 70 साल के बाद, मैं वो गवर्नमेंट को सराहनीय कदम मानता हूं और ये होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल केवल पूछता हूं, आप मानते नहीं कि ये देश में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। दूसरी, आज मैं बाकी को छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, 60% जो क्राइम हो रहा है ना
वो केवल जो है एक जो बांग्लादेश प्रमोद जी इस बात से किसको एतराज हो सकता है कि जनसंख्या ज्यादा है उसकी वजह से मुश्किल बहुत सारी आ रही है, लेकिन इनके जो चिंताएं इनके जो विरोध की बुनियाद है वो जरा दूसरी है। ठीक है, ऐसे में उसको सर एक सेकंड मैं आप दोनों की तरफ आ रहा हूँ, रेणु भाटिया जी एक सेकंड सर, जो पार्टी सरकार में आप लोगों के सवालों को ठीक है आप लोगों के सवालों को आपका नियम एक सेकंड उसमें अमेंड किया जाएगा, सर एक सेकंड बात किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपने लोगों को लोगों के बीच जागरूकता ही नहीं पैदा की है। ठीक है सर, ठीक है सर, रेणु भाटिया जी बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे सवाल पैदा किया है, जाहिर तौर पर ये सवाल तो मन में उठेंगे और आम आदमी से लेकर के विपक्षी पार्टियां तो इन सवालों को ज्यादा जोर शोर से उठा रही है, फिर आप कहते हो कि साहब देश हित में नहीं है इनका विरोध। जवाहर जी अब बहुत बहुत स्पष्ट ये उत्तर है कि कांग्रेस के पास इस समय कोई बात करने को नहीं है, थोड़ा सा इनका हौसला इस चुनाव में बढ़ा, एक मिनट सुनिए, थोड़ा सा हौसला इनका इस चुनाव में बढ़ा इसलिए ये कुछ भी कहने के लिए इस टाइम आतुर है। आप ये एक सेकंड भैया मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपने मुझे तो आप दो मिनट शांति, आप दो मिनट शांति रखिए, मुझे बता दीजिए कि टीवी चैनल आपको सारा कुछ टीवी चैनल पर डिबेट चल रहा है, आपने कौन से इसके अलावा कोई मुद्दा उठाया है क्या? आपको देश की आर्थिक स्थिति मुझे अच्छा नहीं लगेगा एक महिला होकर कि मैं आपको एक दूसरा पहलू सिखाऊं। किसने रोका, किसने रोका कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर ना उतरे, किसने रोका कि रोका कि विपक्षी दल सरकार को ना घेरे, वो एक दूसरा पहलू है सर। इधर अगर हम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, तभी हमें लोग सुन पाएंगे, अगर हम डिबेट पर बैठने के लिए आए तो सबको भारी सुनिए। जमीन का बंदर बांट किया गया, अब कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का इससे बेहतर उनके पास तरीका नहीं है, ताकि वो अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सर, इसी मुद्दे पर जरा आ रहे हैं, सर इसी मुद्दे पर जरा आ रहे हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे सबकी तरफ जाना है, एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड, कहां ले जा रहे हैं राम मंदिर और 370, एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी मुद्दे पर रहिए और अपने अपने सॉलिड रीजन उत्तर दीजिए सर। ये डिबेट में आपने बुलाया है तो ये अपनी सिर्फ प्रेजेंट कहेंगे दाएं बाएं की बातें करके, घबराइए मत, 5 साल लोगों ने झेल लिया। अरे सर सर, हम किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे, सरकार के कामकाज की समीक्षा और करेंगे। ठीक है एक सेकंड सर, एनआरसी ठीक है, रेणु भाटिया जी लेकिन एक सेकंड रेणु भाटिया जी, लेकिन ये सवाल क्या जेन्युइन नहीं है? क्या जो लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे उन लोगों का क्या होगा? देखिए बहुत क्लियर अमित शाह जी ने कल भी किया और पिछले शायद सितंबर माह में ये विषय उठा था और हम सब ने आपके चैनल पे और कई चैनल्स पे डिबेट की थी, इस विषय को उठाया था कि जो ये 19 लाख लोग आए हैं उनको दोबारा से बोलने का मौका मिलेगा। 19 लाख दूसरी बात, गैर हिंदुस्तानी नहीं मान रहा, उन लोगों के सामने प्रक्रिया है, मैं कह रहा हूँ फाइनल लिस्ट, सही मैं कह रहा हूँ फाइनल लिस्ट में, फाइनल जब लिस्ट हो जाएगी कि साहब यही है, अब इतने लोग गैर हिंदुस्तानी हैं जो बांग्लादेशी हैं, फिर क्या ध्यान हो, आपको ध्यान हो मोदी जी ने शुरुआत में एक बात कही थी 5 वर्ष पूर्व कि हम कभी भी किसी भी कोई ऐसे व्यक्ति को कभी भी गलत नहीं करना चाहेंगे जिसने कोई गलती ना की हो, लेकिन एक बेगुनाह किसी चीज में फंस जाए ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हम कितनी भी प्रयास करें, कितने भी कानून बनाए, तो ये एक बड़ा मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, मेरा सवाल ये कि चलिए मान लेते हैं कि किसी भी शख्स को आप गैर जरूरी तरीके से इससे इस दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग एनआरसी के दायरे में आखिरी लिस्ट में नहीं आए, जो वाकईतन जिनके पास में कोई प्रमाण नहीं है, जो गैर हिंदुस्तानी हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, फिर आप उन्हें कहां भेजेंगे? पॉइंट टू पॉइंट समय समय पर इस तरह के कानूनों में संशोधन भी हो रहा है और जो प्रॉब्लम सामने आ रही है उनको दूर भी किया जा रहा है। आप ये देखिए शुरुआत जहां से हुई थी, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इनकी मंशा ये नहीं, ये मुझे ये बताएं कि राजीव गांधी जी की क्या मंशा थी, फिर 1971 की बातें कर रहे थे उस समय और तब क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, अभी इन्होंने कहा कि आपने अब तक क्या किया, 5 वर्षों का हिसाब वो पार्टी हमसे मांग रही है जिसने 65 साल तक इस भारत जैसी भूमि का बेड़ा गर्क किया, ये वो लोग हैं जो 5 वर्ष का हिसाब ने बेड़ा गर्क किया, बिल्कुल, तो आप किस बात का जवाब नहीं दोगे? आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा ना बीजेपी की बात कर रहे थे, इन्होंने अपने कानून में क्या किया था, क्या प्रावधान लाए थे और उनको क्या जस्टिफाई कर सकते हैं ये? तो इस तरह से कोई ऐसी बात ना करें जिसमें ऑलरेडी ठीक है सर, इसी पर रहिए ना, एनआरसी पर रहिए ना सर, एक सेकंड
मनोज तिवारी जी रेणु भाटिया जी एक सेकंड, आप दोनों लोगों की बातें आ गई, मनोज तिवारी जी और रेणु भाटिया जी। मैं आप लोग तो हर दिन टीवी डिबेट में बैठते हैं सर, ऐसे मत कीजिए। विदेशों में जाके हिंदुस्तान की निंदा कर रहे हैं, आज भी आपके आज भी उनको नहीं। चलिए एक सेकंड, आप दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा, एक सेकंड, स्क्रीन पर नीरज राय को एक सेकंड सर, आप लोग प्लीज थोड़ा सा डेकोरम हम लोग मेंटेन करें सर, वक्त जाये हो रहा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो ठीक है, एक सेकंड, अगर घुसपैठिया कहते हैं तो इसके अध्यक्ष और उनके परिवार के लोग कहेंगे किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो मवालियों वाली भाषा है, अब क्या बात करती है आप लोगों के पास बोलने के लिए? आप अपने मवालियों को कंट्रोल कीजिए, आप अपने मवालियों को नेता बोलता है क्या करती है? एक सेकंड सर, भाषा की गरिमा और भाषा, ठीक है आप दोनों लोगों से मैं कहना चाहूंगा, नीरज राज एक सेकंड सर आप लोग इस चर्चा को जरा सार्थक बने रहने दीजिए ना, हम सब लोग एक सेकंड स्क्रीन पर नीरज राजी को लाया जाए, एक सेकंड सर आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? नीरज राजी अब देश के प्रधानमंत्री, क्या इंतजार नहीं करना चाहिए उस वक्त तक नीरज राय जी की जब तक आखिरी लिस्ट सामने ना आ जाए? आखिरी लिस्ट आ जाए उसके बाद में आप सवाल उठाइए कि साहब गलत तरीके से इन लोगों को बाहर किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पेज का अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखवा दीजिए, हिंदी और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिंदी के अंदर एक लाइन बोल देने के लिए छोड़ दे बिना लिखे हुए। आप लोग क्या चाहते हैं? आप दोनों लोगों को ही टीवी स्क्रीन पर छोड़ दिया जाए? रेणु भाटिया जी, मनोज तिवारी जी, कैसे कबूतर होता है या कैसे क्या होता है ये भी नहीं पता जी को, मेरे साथ तो आया जाए इनके सवाल का जवाब देने के बाद रेणु भाटिया। एक सेकंड, आप लोगों का हो गया सर, नीरज राजी को स्क्रीन पर लाया जाए भाई, कितनी देर से मैं कह रहा हूं, ठीक है नीरज राजी, सवाल इस बात का है कि आप लोगों ने आखिरी लिस्ट का इंतजार नहीं किया, आप लोग अभी से हंगामा शुरू कर दिए, एक लिस्ट असम में आई उसके बाद में जिन लोगों के नाम छूटे गए हैं उन लोगों को दोबारा से लाने जाने की प्रक्रिया पूरी बची हुई है, आपके सामने पूरा वक्त है, सारे पहलुओं को विस्तार तरीके से जवाब दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूँ, विस्तृत दे रहा हूँ आपको, अभी थोड़ा एक साल फ्लैश बैक में ले जाऊंगा, बीच में रेणु जी बोलिएगा मत पहले। देखिए शुरू में कोई भी चीज होती है जांच प्रक्रिया पहले पूरी की जाती है, एकाएक कैसे जो राष्ट्र के अध्यक्ष हुए थे भाजपा के नहीं, आज के जो वर्तमान गृह मंत्री बैठे हुए हैं जो घोषित राष्ट्रवादी है अमित शाह जी, इन्होंने घोषणा किया और राजनाथ जी ने किया था कि 40 लाख अवैध घुसपैठी आ गए। पहले तो इनके ऊपर ब्लेम बनता है कि ये कैसे जान गए कि 40 लाख अवैध घुसपैठी आए हैं। पहले अपराध ये करते हैं लोग कि वहां पे रहने वाली जनता को परेशान करने का काम किए थे, उसके बाद आता है कि 19 लाख कुछ हजार जांच के प्रक्रिया के तहत घुसपैठी आ गए, जिसमें कि 11,34,000 कुछ हिंदू है और मुसलमान थे। अब इनके द्वारा विजय वर्गीय जी, अमित शाह जी जब जाते हैं बंगाल में दुर्गा पूजा में तो बोलते हैं कि मुस्लिम ही बाहर जाएंगे, हिंदू सिख ईसाई ये बाहर नहीं जाएंगे। अरे भैया पहले कौन जाएगा यह बड़ी बात है? नहीं है, पहले तो यह बताओ कि कहां जाएगा, कौन उसको लेगा, जिस जिन जनमानस की भावनाओं का ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो अमित शाह जी, फर्जी राष्ट्रवाद का चोंगा पहनकर
वह चोंगा उतार दो, ठीक है, क्योंकि आपकी आपकी सारी बातें आ गई, आपके सारे बिंदु आ गए, मैं इस पर जवाब जल्दी से मैं रेणु भाटिया जी आपसे लेना चाहता हूं। दरअसल ये मंशा पर सवाल उस वक्त और ज्यादा गंभीरता से उठेगा जब आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में ये कहेंगे कि हिंदू, जैनी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ईसाई, आप सिख, सभी को हम नागरिकता देंगे, लेकिन उसमें जब मुस्लिम का जिक्र नहीं होगा तो क्या सवाल नहीं उठेगा? नहीं, बिल्कुल स्मार्ट गेम क्या प्ले किया जा रहा है, सबको समान उनको मौका दिया जाएगा, सबको अपनी बात को रखने का, अपने पूरे सबूत देने का, सारे पेपर जो भी लीगल प्रोसीजर होता है वो करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप जो बार बार बोल रहे हैं नीरज जी, आप बार बार बोल रहे हैं, आपको मुझसे पूर्व आपको एंकर ने बोल दिया कि आप पहली प्रक्रिया के बाद डिसीजन ले बैठे और पहली प्रक्रिया के बाद उसका विरोध करने लग गए। दरअसल दरअसल इसी जवाब में सारी चिंताएं उनकी छिपी हुई है। रेणु भाटिया जी, दोबारा मुस्लिम्स उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के दायरे में क्यों नहीं? कहीं पर भी माननीय अमित शाह जी ने हिंदू, ठीक है, मुझे 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 ठीक है, मुश्किल है आपकी तरफ से जवाब इस बार, ठीक है ठीक है ठीक है रमेश ठाकुर जी, ठीक है, उन्होंने कहा ही नहीं है, ठीक है रमेश ठाकुर जी, लोगों को भी गुमराह करते हैं, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रमेश ठाकुर जी क्या अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की डिटेल्स या तफसील बाद में रखी जाती तो शायद इतना विरोध नहीं होता, उसी से दोनों को लिंक किया जा रहा है, इसलिए समझदारी का परिचय होता कि अगर आप सारे जस्टिफिकेशन होने के बाद अगर आप ये सवाल रखते, ठीक है एक सेकंड रमेश जी नीरज भाई प्लीज रमेश ठाकुर मेरा नाम है। देखिए घुसपैठियों को रोकने के लिए अभी आपने कुछ विदेशी वहां के उदाहरण दिए, देखो विदेशों में क्या होता है, अमेरिका भी घुसपैठियों से इस समय जूझ रहा है मैक्सिको को लेके, उन्होंने क्या कोई मैक्सिको का कोई भी घुसपैठी उनके अंदर ना आ पाए तो एक उन्होंने कोई बड़ा कोई डिसीजन नहीं लिया, एक बड़ी दीवार खींचने का उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का अगर कुछ हो जाए तो हंगामा कट जाएगा। अभी एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि इस समय ये बांग्लादेश का बॉर्डर भी देख के आए हैं और फलाना फलाना देख के आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इनकी थोड़ी सी याददाश्त यहाँ पे थोड़ी सी मैं दुरुस्त कर दूं, ये 85 का जमाना नहीं है, ये 2009 का है, 85 में क्या हुआ था उस समय इधर आना जाना बड़ा आसानी से था, इस समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मैं ढाका बांग्लादेश अभी हाल में होके आया हूँ, इतने हालात अचुस्त हैं आज की डेट में, कोई इधर उधर नहीं आ सकता। और दूसरी बात मुझे लग रहा है जिस तरीके से अमित शाह का जो चेहरा है ना वो बड़ा धार्मिक है, बड़ा धार्मिक किस्म का उनका चेहरा, वो कुछ भी बोलते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम अपने आप हो जाता है। लेकिन मैं लास्ट में एक सवाल भी करना चाह रहा था, कई बार उनकी भाषा उनकी शैली ऐसी है जिसका मतलब भी गलत तरीके से निकाला जाता है। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला के बारे में जब पार्लियामेंट में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने घर में है, डटे नहीं, मजे से है, मौज कर रहे हैं, तो शब्दों का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया लेकिन उनका मतलब क्या था सबने समझा लेकिन अनिल मिश्रा जी ठीक है संजीव जी ठीक है इतिहास में पहली बार देश का कोई गृह मंत्री सार्वजनिक रूप से खड़ा होकर कहता है कि हिंदू सिख ईसाई और बौद्धिस्ट को छोड़ के चुन चुन के हम बाहर फेंकेंगे, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। नहीं नहीं केवल केवल शब्द उन्होंने केवल केवल मुस्लिम शब्द नहीं कहा लेकिन जिक्र भी तो नहीं किया। रेणु भाटिया जी, अनिल मिश्रा जी उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी किसी धर्म जाति को बाधित नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ था, हमने कभी भी किसी जाति के लिए टेंशन नहीं रखी है कि उसको रोका जाएगा। उन्होंने कहा जो भी किसी भी धर्म का हो अगर वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का छोड़कर, लेकिन सारे धर्मों के लोगों का जिक्र किया, मुस्लिम धर्म का जिक्र उन्होंने नहीं किया। ठीक है ठीक है प्रेम कुमार जी ठीक है प्रेम कुमार जी क्या 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 और जनता दोबारा सुने ये लोग कंफ्यूजन जो है मैं बिल्कुल होशोहवास में कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये इसके गृह मंत्री ने ये कहा था चार लोगों का सर हम सबने वो सुना, आपको हलफ लेने की यहां पर जरूरत नहीं, मगर मैं प्रेम कुमार जी आपकी तरफ आता हूं। अनिल मिश्रा जी इस पूरी बीच में अगर तमाम धर्मों के लोगों का जिक्र नहीं करते अमित शाह तो शायद इतना विरोध नहीं होता। बिल्कुल, देखिए मैं शुरू में बोला था फिर बोल रहा हूं, आज इस जो एक नई राष्ट्रवादिता की परिभाषा गढ़ी गई है देश में और उस राष्ट्रवाद के नायक
चाणक्य के रूप में किनका संबोधन हो रहा है। आप गौर करें, इस राजनीति को समझने का प्रयास करें। एनआरसी सिटीजनशिप बिल ये सब अलग मुद्दा है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो एक सियासी नाटक चल रहा है, मैं फिर वही कहूंगा, विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। मैं आपको वो सब दिन वो जगह कहिए याद दिला दूं, यही हमारे गृह मंत्री रहते हुए, ऐसा नहीं कि इन्होंने खड़े होकर, एक मिनट सुन ले, यही हमारे गृह मंत्री होते हुए जब खड़े होके एनआरसी पर और सिटीजनशिप बिल पे कहते हैं, और वो क्रिश्चियन हिंदू बौद्ध सारे मुस्लिमों का नाम लेते हैं, धर्मों का नाम लेते हैं, लेकिन मुस्लिम का नहीं लेते हैं, कितना बड़ा मैसेज, कितना बड़ा संदेश, ये राजनीति का संदेश होता है। और यही प्रेम कुमार जी लाता है, और यही चाणक्य, प्रेम कुमार जी, चूंकि हम लोग चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में है, बिल्कुल चर्चा खत्म होने वाली है, वक्त बिल्कुल नहीं बचा, मैं एक एक कॉमेंट लूंगा। प्रेम कुमार जी, इस पूरे क्या परिपेक्ष को बदलने की जरूरत है सरकार को, या अमित शाह को नए तरीके से इस बात को रखने की जरूरत है, ताकि विरोध जो हो रहा है वो खत्म हो सके, और अपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वाले जो जिस पर तमाम धर्मों के लोगों का जिक्र किया, क्या उसमें मुस्लिमों का भी जिक्र उनको करना होगा? देखिए, इस बात की जरूरत है कि लोग घुसपैठिया शब्द को क्लैरिटी दें। बंगाल के लोग अगर असम में चले गए और वो भी एनआरसी के उस 19 लाख की लिस्ट में शामिल हैं, तो और बांग्लादेश के भी शामिल हैं, तो दोनों को हम घुसपैठिया कहेंगे, तब एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में जा रहा है तो घुसपैठिया हो रहा है। अधीर रंजन जी का यही बयान है कि अगर बंगाली जाके असम में घुसपैठिया है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी घुसपैठिया हैं, लेकिन मैं नहीं मानता ये चीजें होनी चाहिए। इसी यही क्लैरिटी की जरूरत है कि घुसपैठिया बांग्लादेशी हो सकता है, बंगाली नहीं हो सकता है, ये क्लैरिटी देने की जरूरत है देश को। देखिए, मैं अगर जवाब आप मौका दे तो मैं मनोज जी जल्दी से मैं प्रमोद जी से कह रहा था कि देखिए, अमेरिका में चूंकि एक कानून के जानकार हैं, और इसी मामले पर लेकर के अमेरिका में 1971 में एक कानून आया था लेमन और कर्जन्स के खिलाफ में, ठीक है, और उसमें यह बोला गया था कि कोई भी कानून लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धर्म को प्रभावित नहीं कर सकता है, और उसके तीन चीज बताए थे कि अगर कोई भी कानून ऐसा ना हो, कानून बिल्कुल सेकुलर होना चाहिए, कानून किसी धर्म और राज्य में आपकी नजर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को धर्म से प्रभावित होकर के किया जा रहा है। मैं तिवारी को एक क्लियर में कह रहा हूं कि शायद ये एनआरसी का जो लुक अफ्टर है या मॉनिटर जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कर रही है, जैसा असम में देखे होंगे उन्होंने किया है। और एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं तिवारी जी, कि यहां पे कानून का राज है, चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल को, चूंकि लॉ बनता है तो सबके लिए बनेगा, कोई इंडिविजुअल को आप वो नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। रेणु भाटिया जी, 2024 से पहले सभी राज्यों में लागू करने से पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी चाहिए? ये तो एक प्रोफेशनल एथिक है, पॉलिटिकली भी और होना भी चाहिए और होगा कि सभी को साथ में लेकर, हो रहा है अभी देखिए सुनिए, इसी पर तो इतराज जता रहे हैं। यही बात तो अमित शाह जी ने कही कि 2024 से पहले सभी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, चुन चुन के उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के डिफरेंट मीनिंग्स देने के प्रयास किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अभी प्रेम जी बात कर रहे थे, मैं उस बात को थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि जो ये बोल रहे हैं कि घुसपैठिया एक राज्य का दूसरा, जिसपे अधीर रंजन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये कहा बॉर्डर लाइन से जो एंटर करते हैं, असम में अगर ये मुहिम लाई गई तो वही लोग अगर गुजरात में या दूसरे क्षेत्र में, तो अगर अधीर रंजन चौधरी ने कहा तो फिर उधर से भी सोनिया गांधी के लिए कह दिया गया, तो सवाल यह है कि कोई खामोश कौन रह रहा है? सर जल्दी से, सर बिल्कुल वक्त नहीं है। देखिए, राम मंदिर मुद्दा था जो 35 साल चला, जिस पे राजनीति हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका पटाक्षेप कर दिया, आपकी निगाह में एनआरसी देश में लागू करने के लिए लंबा अरसा इसमें जाएगा, और ये मुद्दा बीजेपी के लिए रहेगा। चलिए, वक्त की तंगी आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त रेणु भाटिया जी, मनोज तिवारी जी, अनिल मिश्रा जी, प्रेम कुमार जी, संजीव कौशिक जी, नीरज राजी, प्रमोद कुमार जी और रमेश ठाकुर जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। और चूंकि बहुत ही संवेदनशील यह मामला है और इसके नतीजे, इसकी प्रक्रिया, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति, सियासी ताना-बाना इतने ज्यादा इसमें उलझने हैं कि इसको किसी एक लाइन में दर्शाया नहीं जा सकता, इसलिए आज हमने समझने की कोशिश की। हालांकि इस पर अभी भी बहुत सारी चर्चाएं होनी बाकी है, आप बस देखते रहिए और आप समझते रहिए कि हो क्या कुछ रहा है। आप देख रहे थे R9 TV पर दिन की सबसे बड़ी बहस, देखते रहिए R9 TV। 2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये कह सकता कि
अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है।